नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल YouTube के माध्यम से नमस्कार। मैं आज आपको हिंगुल रसायन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बता देता हूँ। ये सब सामग्री रखी हुई है, इसको देख लीजिए। उधर गैस है, उस पर गीला कपड़ा रखा हुआ है। इसमें आग की बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। इस तरह से ये सफ़ेद कढ़ाई लीजिए, बड़ी इस तरह से बड़ी कढ़ाई लीजिए। ये झारा है लोहे का, लोहे की ही कढ़ाई लेना है इसमें। ये अरंडी का तेल है, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध अरंडी का तेल है। 750 ml लेना है इसमें से। ये है शुद्ध नीम का शहद। नीम का शहद बहुत आवश्यक है इसमें। नीम का मिल जाए, पलाश में मधुमक्खी लगी मिल जाए, या कहूँ तीन शहद का अतिरिक्त दूसरा शहद इसमें लेना नहीं। ये शुद्ध शहद है। यह धूप तापन विधि से निकला हुआ मालकांगनी का तेल है। ये मालकांगनी का तेल है, धूप तापन विधि से निकला हुआ है। ये इसमें मालकांगनी पड़ी भी हुई है, ये देखिए अभी भी है इसमें। ये है भिलमा 750 ml लेके इसको पत्थर के खरल पे कूटा गया है। पत्थर के खरल में कूटना है, लोहे में नहीं तो ये सब फिर खराब हो जाता है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर कूटते टाइम ज़रा सा भी तेल आपके आँख में चला गया तो आँख हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने इस तरह का चश्मा पहना हुआ है ताकि कोई नुकसान मेरी आँख में ना हो, क्योंकि मैं धोखा खा चुका हूँ एक बार। ये देसी गाय का शुद्ध घी है, देखिए इस तरह से देसी गाय का शुद्ध घी आएगा। ये भी 750 ml है, सब 750 ml लेना है। ये हिंगुल है, ये जमात्रा का हिंगुल है, सुमात्रा से आता है ये, सुमात्रा से। ये किसी भी गवर्नमेंट शॉप से लीजिए आप, इस तरह से दिखेगा ये। गवर्नमेंट शॉप में आपको तीन भाव महंगा मिलेगा ये, परंतु ये बिल्कुल शुद्ध हिंगुल है और इस तरह से डली के रूप में है ये। बाकी तो आप राजस्थान में कई जगह नकली भी बन रहा है, वो कोई काम का नहीं है। इस तरह से जो देखेंगे आप तो ये बिल्कुल शुद्ध हिंगुल ऐसे। ये 250 ग्राम हिंगुल की भस्म बनेगी। ये सब चीज़ें जब इसमें मिला कर डाल दी जाएगी तो इसकी भस्म बनेगी। मैं अभी बता दूंगा कैसे इसको जमाना है। इसकी भस्म जब बन जाएगी मित्रों, जब ये पूरा जल जाएगा, इसमें सावधानी ये बरतना चाहिए कि आग एक जैसी रखना चाहिए। ये गैस जल रही है अभी, नहीं तो इसमें आग लगने की संभावना रहती है और फिर पूरी चीज़ बेकार हो जाती है। एक भी चीज़ अशुद्ध हुई तो काम नहीं करेगी। आग का विशेष इसमें प्रावधान है, कितनी रखना है कि हमारी चीज़ गर्म होकर सब पिघल के जल जाए, ये इसमें विशेष ध्यान रखना है। जब इसका बाद में जब जल के अलग हो जाता तो इसमें से बड़े सावधानी से इसकी भस्म निकाल लेते हैं। इसकी भस्म की मात्रा जो है, फिर इसमें जावित्री, लौंग, केसर और जायफल, जितनी मात्रा में भस्म बनेगी उससे तीन गुना इसको मिला दिया जाएगा। फिर केवल एक चावल की मात्रा बराबर इसको खाना है, और खाने के बाद जब भी इसका प्रयोग करते रहेंगे तो आप करीब 10 दिन या 12 दिन का प्रयोग है इसका। एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, दो दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, जैसा शरीर जैसी अवस्था रही। 40 वर्ष के ऊपर इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये मित्रों इतने काम की चीज़ बनती है कि आपका पूरे वात और कफ रोग पूरे जड़ से ख़त्म, दमा ख़त्म, आपके वात रोग, पैरों का दर्द, हाथ का दर्द, ये सब ख़त्म। जिंदगी भर से जो नपुंसक आदमी है वो ठीक होता है इससे, और शरीर के संग्रहणी रोग इससे अच्छा होता है, बार बार लेटिन जाना इससे अच्छा होता है, पाचन तंत्र पूरा अच्छा होता है, रक्त के सब रोग इससे अच्छे होते हैं। परंतु इसको खाने का विधान ये है कि जब भी इसको हम एक चावल के दाने के बराबर ही खाना है, और उसके बाद उस हमको छाछ या मट्ठे का प्रयोग बहुत करना है। कम से कम एक दिन में 25 ग्राम गाय का शुद्ध घी खाना है और दूध खूब पीना है। कम से कम 1.5 से 2 लीटर दूध एक दिन में इसको पीना है। जब हम इन सब चीज़ों को पीते हैं, अभी आप नाना प्रकार के टॉनिक खाते हैं, लाखों रुपए के टॉनिक खाते हैं, शरीर तो खिंचता ही नहीं, तो लगता है नहीं। आपने देखा होगा पुराने राजा महाराजा 2-2 किलो गोश्त खा जाते थे, मुर्गा खा जाते थे, 20-20 रोटी खा जाते थे, सब्जी भाजी सब खूब, कितना खाना उनकी टेबल पर रहता था। राणा प्रताप को देखा होगा आपने, कितने ताकतवर थे। तो ये सब ये ऐसा रसायन है, जब ये पेट में जाता है तो आपके शरीर के जितना भी चीज़ खाते हो आपके शरीर में खींच के लगा देता है, और आप बिल्कुल लाल बम हो जाते हैं। अगर इसका आपने 20 प्रयोग कर लिया मित्रों एक एक दिन छोड़ के, तो जो कुछ खाओगे आप शरीर में लगेगा और आपका शरीर पूरा लाल बम हो जाएगा,
और बहुत ताकतवर हो जाएगा सर, आपका पूरा फिर से यौवन वापस आता है, इतनी सामर्थ्य है। परंतु इसमें खतरा बहुत है, चीज़ें असली मिलती नहीं है, इसलिए हमारे वैद्यों ने ये बनाना छोड़ दिया और लोग इसकी कीमत भी नहीं देते, क्योंकि ये 250 ग्राम आपकी हिंगुल है, जब आप बाज़ार में लेने जाएंगे पंसारी की दुकान से अगर कहीं लेंगे तो ये मिल जाएगी 8,000 में, और जब आप केमिकल की किसी शॉप में, गवर्नमेंट शॉप में वो बिल भी देगा आपको, तो करीब 25,000-1,000 रुपये में मिलेगी, महंगी मिलती, क्योंकि उसमें टैक्स भी लगेगा, गारंटी रहेगी, इस तरह से ये सब चीज़ें। अब इसको मैं कैसे बनाना ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमको ये भिलवा लिया हमने, इसमें थोड़ा सा माल कांगनी का तेल, इसमें थोड़ा माल कांगनी मिला दिया जाता है, तेल बहुत कम निकलता है माल कांगनी में, बहुत महंगी महंगा आइटम है मित्रों ये, इसलिए लोग इसको मिलाते नहीं है, बनाते नहीं है, क्योंकि इसका पैसा कोई देता नहीं है। अब ये हमने इसको, मैंने हाथ में ये पहना हुआ ताकि मेरे छाले आले ना हो, इसको ये मिला लिया, इस तरह से इसको मिला के आधा इसमें डाल देना है, आधा, आधा मतलब ये आधा बचा लिया, ये इसको आप थोड़ा इसको दबा दीजिए ताकि ये एक जैसा हो जाए। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है मित्रों, क्योंकि अगर ज़रा सी भी गड़बड़ी हुई तो, और इसके बनाते टाइम इससे दूर हट जाना है, क्योंकि इसका धुआं अगर आपके शरीर और आँख में लगेगा तो आपका आँख खराब हो जाएगी और शरीर पर छाले हो जाएंगे। अब इस तरह से ये हिंगुल को चारों तरफ हमने टुकड़े कर लिए हैं, इस तरह से रख दीजिए, ये रख दिया, ये हिंगुल को मैंने इस तरह से जमा के अब इसमें रख दिया है। अब आपको फिर से ये जो बचा हुआ भाग है ये इसके ऊपर आप डाल दीजिए, ऐसा डाल दीजिए कि सब मामला आपका ढक जाए। ये ढक गया, अब हमको इसको ठीक से ढांकना पड़ेगा, कोई भी हिंगुल आपका खुला नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से इसको दबा दीजिए। ये दबा दिया, थोड़ा सा माल कांगनी का तेल ऊपर से हम इसको डाल देते हैं, ये याददाश्त को बढ़ाएगा, भूख को बढ़ाएगा, संग्रहणी को ख़त्म करेगा, आम बात कफ बात, कफ और बात के समस्त रोग जड़ से ख़त्म होते हैं मित्रों। आप खूब दवाई खाइए, कोई फ़ायदा नहीं होता, जो जीर्ण शीर्ण रोग होते हैं बुढ़ापे में जो रोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते जल्दी, उनमें फिर आपको इस तरह से केमिकल का प्रयोग करना पड़ता है। अब आप ये तेल हमारा जो अरंडी का तेल है ये हमने चारों तरफ से इसके ऊपर से डाल दिया, धीरे से डालना है ताकि कुछ चीज़ आपकी फैले नहीं, ये डाल दिया। अब ये हमने गाय का घी डाल दिया, ये गाय का घी गया, और ये हमारा शुद्ध शहद हमने डाल दिया, ये
उसका काम खत्म हो गया। निकाल दीजिए, हमेशा ऐसा फुल शर्ट पहनिए, नहीं तो आपके शरीर में कहीं कुछ लग गया तो फिर गड़बड़ होने की संभावना बहुत बनी रहती है। और हम हाथ से इसको गाय के घी को, इसमें मात्रा का भी विशेष ख्याल रखना है मित्रों, अब हम इस कढ़ैया को उठा के गैस के ऊपर रख देते हैं। जय भगवान भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम इसको यहाँ से अपने सामान को सब यहाँ से हटा लेते हैं, ये बस यहाँ रहेगी, बाकी आप सब सामान यहाँ से हटा लीजिए। अब ये बनता रहेगा मित्रों इसी तरह धीमी आंच में, ये कम से कम 6 घंटे पकेगा। जब ये सब चीज़ नीचे गल जाएगी तो हम इसमें थोड़ी सी डाला के कढ़ाई में आग लगा देंगे, वो बहुत सावधानी पूर्वक कार्य है। तो ये हिंगुल की भस्म बनाने का प्रयोग है मित्रों, देख लें इसको, बड़े काम की चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है ये, अगर सही बन गई। भोलेनाथ की कृपा से ही होता है ये सब काम, मैं तो प्रयास करता हूँ, भोलेनाथ की कृपा से हो जाता है। अनुभव भी इसमें बहुत लगता है, दिखा आपको सरल रहा है पर अनुभव की कमी कई बार नुकसानदायक हो जाती है मित्रों। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको हिंगुल रसायन कैसे बनाया जाता है, उसका कैसे उपयोग किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। मैं इसको बनाने के बाद जो भी चाहेंगे उनको दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। मैं पंडित अखिल शुक्ल ACF फॉरेस्ट, इस तरह के कार्य जो मैं जानता हूँ थोड़े से मैंने अपने गुरु जी से सीखे, करने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार मित्रों।